हेलो फ्रेंड, माय नेम इज मनोज। प्रियम्बल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। हम वोकैब वर्ड्स के साथ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और एक एग्जाम्पल देंगे जिससे आप इनको आसानी से समझ सके। वोकैब शुरू करने से पहले टुडेज थॉट पर एक नज़र डालते हैं। नथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, द ऑब्स्टेकल्स ऑफ योर पास्ट कैन बिकम द गेटवेज दैट लीड्स टू न्यू बिगिनिंग्स। पहले से ही कुछ निर्धारित नहीं होता है, आपकी विगत बाधाएं वह मार्ग प्रदान करती है जिस पर चलकर आप नई शुरुआत कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन को हम नाउन के तौर पर यूज करते हैं। इसका मतलब होता है आनंद, खुशी, संतोष, सुख या संतुष्टि। एग्जाम्पल, ही हैज़ नो ग्रेटिफिकेशन बाय योर एक्सप्लेनेशन। उसे आपके समझाने से कोई संतुष्टि नहीं है। सिनोनिम्स, प्लेजर, एन्जॉयमेंट, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, जॉय। एंटोनिम्स, डिसअपॉइंटमेंट, एग्नी, डिससेटिस्फैक्शन, सोरो, सैडनेस, अनहैप्पीनेस। नेक्स्ट वर्ड है इंडिसेंट। इंडिसेंट को हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं। इसका मतलब होता है बदतमीज, द्रष्ट, निर्लज्ज, अनुचित, अभद्र या अश्लील। एग्जाम्पल, ही इज वेरी इंडिसेंट बाई द बिहेवियर। वह व्यवहार से बहुत बदतमीज है। सिनोनिम्स, इमोडेस्ट, डर्टी, ऑब्सीन, इमोरल, कोर्स, इम्प्रॉपर, फॉल। एंटोनिम्स, नाइस, क्लीन, डिसेंट, नॉन ऑब्सीन, इलेक्टेबल। नेक्स्ट वर्ड है ट्रूप। ट्रूप को हम नाउन और वर्ब के तौर पर यूज करते हैं। ट्रूप का मतलब होता है दल या सेना की टुकड़ी या सैन्य दस्ता या इकट्ठा होना या जल्दी से आगे बढ़ना। एग्जाम्पल, यू हैव ट्रूप विद वेपन्स। आपके पास हथियारों के साथ सेना की टुकड़ी है। सिनोनिम्स, ग्रुप, आर्मी, स्क्वाड, सोल्जर्स, कंपनी, मिलिट्री। एंटोनिम्स, फ्यू, लिमिटेड, सिविलियंस, स्मॉल अमाउंट, नेग्लिजिबल अमाउंट। नेक्स्ट वर्ड है परसिक्यूट। परसिक्यूट को वर्ब के तौर पर यूज करते हैं। इसका मतलब होता है सताना या कष्ट देना या अत्याचार करना या तंग करना या पीछे पड़ना। एग्जाम्पल, वी कैन नॉट परसिक्यूट आवर ओवन सिटीजन। हम अपने ही नागरिकों को सता नहीं सकते। सिनोनिम्स, हरास, हुंड, मोलेस्ट, ऑप्रेस, टॉर्चर। एंटोनिम्स, कंफर्ट, प्रोटेक्ट, सूद, प्रोटेक्ट, प्लीज। नेक्स्ट वर्ड है कन्फेबलेट। कन्फेबलेट को हम वर्ब के तौर पर यूज करते हैं। कन्फेबलेट का मतलब होता है बताना, बोलना, गपशप करना या बकवास करना। एग्जाम्पल, सी इज कन्फेबुलेटिंग विद समवन ऑन द फोन। वह फोन पर किसी के साथ बकवास कर रही है। सिनोनिम्स, एडवाइज, कंसल्ट, काउंसल, पार्ले, डिबेट, कन्फर। एंटोनिम्स, बी क्वाइट, लिसन, कीप क्वाइट, शट अप। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट को हम एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पर यूज करते हैं। इसका मतलब होता है जल्दी करना, शीघ्र निपटाना या आगे बढ़ना। एग्जाम्पल, दे हैव आस्क्ड द जज टू एक्सपेडाइट द लॉ सूट्स। उन्होंने न्यायाधीश से मुकदमे में तेजी लाने को कहा है। सिनोनिम्स, इनकरेज, फैसिलिटेट, एक्सेलरेट, स्पीड अप, क्यूकन, हरी। एंटोनिम्स, डिले, होल्ड बैक, टाई अप, अरेस्ट, स्टे, स्टॉप। नेक्स्ट वर्ड है एम्फसिस। एम्फसिस को हम नाउन के तौर पर यूज करते हैं। एम्फसिस का मतलब होता है जोर देना, बल देना या प्रमुख बनाना या महत्व देना। एग्जाम्पल, द एम्फसिस इज इंक्रीजिंगली ऑन प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की रोकथाम पर जोर दिया जा रहा है। सिनोनिम्स, अटेंशन, इंसिस्टेंस, इंटेंसिटी, प्रायोरिटी, सिग्निफिकेंस। एंटोनिम्स, माइल्डनेस, वीकनेस, इग्नोरेंस, लेथर्जी, ट्रिवियलिटी, अनइम्पोर्टेंस। नेक्स्ट वर्ड है एनल। एनल को हम वर्ब के तौर पर यूज करते हैं। एनल का मतलब होता है रद्द करना, अंत करना, मिटा देना, निष्फल करना या निरस्त करना। एग्जाम्पल, यू हैव टू एनल द रजिस्ट्रेशन। आपको पंजीकरण रद्द करना होगा। सिनोनिम्स, कैंसल, क्वास, रिबुक, रिवर्स, इनवैलिडेट, नलीफाई। एंटोनिम्स, एस्टेब्लिश, अलाउ, अप्रूव, ऑथोराइज, क्लियर, इंडोर्स।
नेक्स्ट वर्ड है एडिर। एडिर को हम वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। एडिर का मतलब होता है जुड़ जाना, लग जाना या समर्थन करना, वफादार होना या चिपकना। एग्जाम्पल, आई डू नॉट एडिर टू एनी ऑर्गेनाइज रिलीजन, मैं किसी भी संगठित धर्म का पालन नहीं करता। सिनोनिम्स, कंप्लाई, हीड, ओबे, ऑब्जर्व, स्टैंड बाई, फॉलो। एंटोनिम्स, डिसओबे, इग्नोर, ओवरलुक, कंडेम्ड, डिसरिगार्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट को नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है समकक्ष, प्रतिरूप, प्रतिस्थानी, दूसरा या संगत भाग। एग्जाम्पल, द ट्रेडिशन इज बींग केप्ट अलाइव बाय हिज मॉडर्न काउंटर पार्ट, परंपरा को उनके आधुनिक समकक्ष द्वारा जीवित रखा जा रहा है। सिनोनिम्स, एनालॉग, कंप्लीमेंट, कॉपी, डुप्लीकेट, इक्विवेलेंट, फेलो। एंटोनिम्स, ओरिजिनल, अपोजिट, रिवर्स, डिफरेंट, अलोन। फ्रेंड्स, अब हम रिवीजन करते हैं। ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन यानी आनंद, खुशी, संतोष, सुख या संतुष्टि। नेक्स्ट वर्ड है इंडिसेंट। इंडिसेंट यानी बदतमीज, दृष्ट, निर्लज, अनुचित, अभद्र या अश्लील। नेक्स्ट वर्ड है ट्रूप। ट्रूप यानी दल या सेना की टुकड़ी या इकट्ठा होना या जल्दी से आगे बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है परसिक्यूट। परसिक्यूट यानी सताना, कष्ट देना या अत्याचार करना, तंग करना या पीछे पड़ना। नेक्स्ट वर्ड है कन्फेबलेट। कन्फेबलेट यानी बताना, बोलना, गपशप करना या बकवास करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट यानी जल्दी करना, शीघ्र निपटाना या आगे बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है एम्फेसिस। एम्फेसिस यानी जोर देना, बल देना, प्रमुख बनाना या महत्व देना। नेक्स्ट वर्ड है एनल। एनल यानी रद्द करना, अंत करना, मिटा देना, निष्फल करना या निरस्त करना। नेक्स्ट वर्ड है एडिर। एडिर यानी जुड़ जाना, लग जाना, समर्थन करना, वफादार होना या चिपकना। नेक्स्ट वर्ड है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट यानी समकक्ष, प्रतिरूप, प्रतिस्थानी, दूसरा या संगत भाग। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।